they will continue. Because Nirmala Sitharaman is presenting her seventh budget, of course. But all the six budgets earlier presented by her had so many promises which was not fulfilled so far. See, their budget exercise is only for some of the rich people in this country, not for the poor people. The NSSO had several times had stated that the domestic consumption had gone down. Domestic consumption of the poor people is BPL family people and middle income people have gone down. They could not purchase anything. But this government had waived loan for very rich people, 19,000 crores, 20,000 crores, so many thousands of crores they have waived. So they need money to support the rich people who had failed in their industrial process. So that is what this budget is for, that this government is for. They want to support a rich group of people, not the common man. So this year also this budget will reflect the same. See, BJP will criticize anything. See, we are not in favor of Ramayana. We had opposed Ramayana. But in Kambar Ramayana, not in Valmiki Ramayana, Kambar, being a Tamilian, had stated one line, Guhanudam Aivaranam. Guhan is a boat, the fisherman. And there are others who are very common people, not born to a king, like his other four brothers. So this is the culture Raman had stated, that Guhan or Maival. We had become five with Guhan. Because Guhan is a fisherman living in the seashore. So that is what he mentioned. He specifically quoted those lines also. That means the concept of Manu Dharma has failed in Kambar Ramayana. Kambar Ramayana, not in Valmiki Ramayana. These words take place in Kambar Ramayana. That is the culture of the Tamils. That is what he mentioned. That doesn't mean that we have accepted the story of Ramayana or we are following the story of Ramayana. He had quoted one portion from Kambar's writing. मुझे लगता है अमृत तो सिर्फ भाजपा वालों को ही मिल रहा है. अमृत के बाद बाकी चीजें जो बच रही है वो देश के लिए. ये अगर उल्टा होता कि देश को अगर अमृत मिलता तभी इम्पोर्टेंट होता. आप सीधे सीधे किसी भी आम आदमी के लिए तीन चार चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं. सबसे पहला कि क्या उनके बच्चों को रोजगार मिल रही है. दूसरा कि क्या देश में न्याय व्यवस्था ठीक से काम कर रही है. और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या किसान इंडस्ट्रीज ये सारे खुश है. इन्फ्लेशन जो प्राइस राइज है वो बहुत ज्यादा है, ऑल टाइम हाई जा रहा है. आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लो या इन्वेस्टमेंट ले लो किसी भी तरीके से, वो कम हो गया है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है. फार्मर्स अनहैप्पी है. तो ये सारी सिचुएशन को गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा. और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप छोटे छोटे टेम्पररी मेजर्स लेने के बजाय अपने विजन को देश के सामने रखिए कि आप ऐसे देश को ले जाना चाहते हैं और उस विजन को अचीव करने के लिए आपने क्या 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 आइडियाज और क्या क्या स्टेप्स लिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए. ओवरऑल रहता क्या है कि छोटा सा ये कर दिया, छोटा सा वो कर दिया, ये छोटे छोटे पैच ऑफ वर्क से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है. और पिछले 10 सालों से सरकार की जो क्रियाकलाप है और कार्यप्रणाली को अगर आप देखोगे उसमें लगता है यही है कि इनका फोकस विपक्षी दलों को जेल में डालने में, दूसरों को खत्म करने पे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इनका फोकस नहीं. आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं बजट से, खासकर से दिल्ली? मेरी उम्मीद है, सबसे पहले देखिए, दिल्ली का सबसे पहले तो जो शेयर दिल्ली को मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो बढ़ना चाहिए. क्योंकि दिल्ली अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पैसा देती है और दिल्ली को इन रिटर्न पिछले कई सालों से एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है, तो वो इंक्रीज होने चाहिए. दूसरा, पंजाब के रिस्पेक्ट में भी जो हमारे पैसे रुके हुए हैं, चाहे आप रूरल डेवलपमेंट फंड्स ले लो या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड आप फंड्स ले लो, कई सारे फंड्स हैं जो सारे रुके हुए हैं, वो सारे फंड्स रिटर्न करने चाहिए, देने चाहिए. जब तक आपके स्टेट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, देश कैसे स्ट्रांग होगा? तो एक तो ये है. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अलग लेवल पे जा चुका है. इसको इमिजिएटली इस पे 10 पॉइंट्स एजेंडा बना के इसको एड्रेस करना पड़ेगा. कई बार
भाई ग्रोथ एरिया आज आप 3.0 कह रहे हो, 3.0 में ग्रोथ एरियाज आइडेंटिफाई करोगे? आज आप अगर एरिया आइडेंटिफाई करोगे तो काम कब करोगे? ग्रोथ एरिया तो आपको डे वन पे आइडेंटिफाई करना होता है। ग्रोथ एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज, क्रिटिकल एरियाज, उसको पहले दिन आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर अपना विजन बनाते हो, फिर उस विजन को अचीव करने के लिए आपके एग्जीक्यूट करने के प्लान बनाते हो, फिर उस पर काम करते हो। बड़ा सिंपल सी चीज है। आप बचपन से जब बजट सुनते आ रहे होगे तो 3-4 चीजें ही आप सुनोगे कि यहां पे गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ये सारी चीजें आज भी है। सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए मैंने ये 10-पॉइंट एजेंडा है, टाइम बाउंड तरीके से इसको फॉलो करेंगे। महंगाई को रोकने के लिए ये 10-पॉइंट एजेंडा है, इसको ठीक करने के लिए इसको ऐसे फॉलो करेंगे। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो ये पेपर लीक्स हो रहे हैं, किसानों के लिए जो उनकी जरूरतें हैं, ये सारी चीजों को आपको, आप 10 पॉइंट रखो, 10 पॉइंट को टाइम बाउंड तरीके से कैसे इम्प्रूव करोगे, उसके विजन देश के सामने रखो, तब जाके देश पड़ेगा। पहले इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में समझते हैं, वो समझने के बाद फिर जो देश के लिए जरूरी है, जो चीजें, कई सारी चीजें सरकार को बड़ा अच्छा तरीका पता है चीजों को, इम्पोर्टेंट चीजों को दबाने की, तो वो जो दबाए होंगे वो उन चीजों को जनता के सामने, देश के सामने लाएंगे और जनता के सामने रखकर देश को भी बताएंगे कि कैसे बीजेपी फेल हो रही है। अगर अच्छा करेगी तो तारीफ करेंगे, देश इंपॉर्टेंट होता है, और भाजपा को बताएंगे कि भाई ये पॉइंट्स है, ये आपको करने पड़ेंगे, आज नहीं करोगे तो कल किसी और को करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। फ्लोर लीडर्स में मोस्टली यही डिस्कस होगा कि कैसे, क्या इश्यूज है, क्या एजेंडाज हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और सरकार जनरली किसी को बोलने तो देती नहीं है, वो सदन के बाहर सीबीआई ईडी से धमकाती है, सदन के अंदर कहती है कि मैं सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंशन का धमकी देती है, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, ये भी डिस्कस करेंगे। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्वागत है इस पे, आप देखो आपका फोकस क्या है सरकार का। आप ऐसे ट्रिवियल छोटी छोटी चीजों पे पढ़ रहे हो जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलना है। आज आप बजट पेश कर रहे हो, एक तरफ आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, इसको एड्रेस करने के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, फालतू की चीजों में पढ़ पढ़ के, यही इनकी राजनीति है, इनकी राजनीति है यह कि फूट डालो, राज करो, लड़ाओ, ये करो वो करो। आपका इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि आपको देश से कोई लेना देना नहीं है। द इकोनॉमिक सर्वे 2024 has clearly indicated that the basic issue is the price rise, inflation resulting the price rise. And that too the food inflation is very, very high. And regarding the unemployment also, the picture is not so good. So unemployment, poverty, price rise, these are the major issues concerning the common mass of the country. And further, the farming community in India, now they are on again on the war path. They are demanding MSP for other articles, and also that rate has to be revised and legal backing for all the agricultural products in for MSP. In such a situation, I hope that the government has to take note of all these things. On the basis of the economic survey, if you examine, definitely the government has to take some stringent steps so as to address the issues of unemployment, poverty, price rise. But I don't expect anything from this government because they are only concerned about the corporate financing and corporate assistance to the corporate's capital. And in such a situation, we can't find anything positive from this government. And further, we have to see that 2047, the government's promise is that India will be a developed country by 2047. Economic survey is saying that you have to find out new jobs because from agriculture sector, the people are withdrawing from the agriculture sector. So we have to find out alternate jobs for those persons who are coming out of the agriculture field also. All these things have to be keep it in mind in making the budget proposals for the financial year 23, 24, 25. So what the Madam Minister is going to do, we have to wait and see. Now further growth in the sense, always the economic survey is saying that import from articles, import from China has to be restricted, but they have maybe given affordable opportunity for having investment in India. Yes, it's okay, good, but as far as the basic issues are concerned, what is the government's opinion? Because even now 81.6 crores of the Indian population is getting free ration because of poverty and hunger. This is the situation prevailing in our country.
price rise is like anything, it cannot be compared with anything. So because common people are finding it very difficult to meet the two ends. And farming community, they are not getting the remunerative price for the agricultural producers. In such a situation, what is the budget going to address all these issues? I hope that in the Prime Minister's Krishi Samman Yojana, then some scheme, some soaps will be given, some amounts will be enhanced. What else they are going to do, we have to see, because drastic changes is required so as to become India as a developed country by 2047. Merely the economic growth will never give fruitful result for a developed country. Because economic growth is there, but the fruits of the economic growth is not reaching to the common masses. That is the biggest contradiction. And another point the economic survey indicated is the inequality. The inequalities or the gap between the white, sorry, between the rich and the poor is also getting widened. So this is the real economic situation of our country. But unfortunately, the government is not concerned about the poor, downtrodden, common mass of the country. If you want to become 2047 as a developed country, it is not the development of the rich and the corporates, but the poor common masses should also be, their living conditions are also to be improved. Then only we can say that our country is a developed country, for which I think that no drastic steps are being taken by the government so far. So let us see what the new third, this is the third term, continuous third term of the Narendra Modi government, first budget. Let us see what is the way by which, how they are moving to 2047.